गुड मॉर्निंग प्लस टू स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 5.1 जो कि टोटली कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड थी। आज की जो ये एक्सरसाइज है ये सारी डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स पर बेस्ड है। जो आपने प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स किए हुए हैं वो वाले हमने यूज़ करना है, और जो मैंने आपको इसमें चेन रूल करवाया था और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस जो मैंने आपको बताया था वो सारा इसमें हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। तो इसका जो है लास्ट सम से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th हमें गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एक्स गिवन है। तो हमने शो करना है कि एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड 2। तो जो इस टाइप के सम्स होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले या फिर मॉडुलस वाले, तो उनको हम राइट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसको एच मेथड से करेंगे। अभी लिमिट का सम बन गया, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो एज एक्स अप्रोचिज टू 1 एच अप्रोचिज टू 0, तो ये हमारा सम बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, और डिनोमिनेटर में ओनली एच आएगा। तो इसमें जो एफ एक्स हमें गिवन है, ये गिवन है 1 प्लस एच, मतलब एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट नीजर ऑफ एक्स, तो ये बनेगा 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट नीजर, एफ ऑफ 1 इज 1, ठीक है, 1 का ग्रेटेस्ट नीजर 1 ही होता है, चलो लिख देते हैं अपॉन एच। तो क्योंकि देखो आप इसमें 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं और एच इज ए वेरी स्मॉल नंबर होता है, तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट नीजर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस 1 अपॉन एच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये बनेगा एफ डैश 1 माइनस, तो ये आएगी लिमिट एच अप्रोच एक्स अप्रोचिंग टू 1 माइनस, पहले डेफिनेशन लिखते हैं एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप इसमें एक्स को पुट करें 1 माइनस एच, तो एज एक्स अप्रोचिज टू 1 माइनस, ठीक है, मतलब एक्स लेस देन 1 हो गया आपका, तो एच विल अप्रोच टू 0 प्लस। ठीक है, क्योंकि एच इज़ ए वेरी स्मॉल नंबर है आपका, तो इसको यदि हम माइनस 1 एक्स की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो एच जो हमारा 0 प्लस की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, लिखते हैं इसको हम 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट नेजर माइनस ग्रेटेस्ट नेजर ऑफ 1 अपॉन माइनस एच आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 माइनस, क्योंकि देखो एच मैंने अभी भी बताया था आपको, एच इज़ ए वेरी स्मॉल नंबर लाइंग बिटवीन 0 टू 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये माइनस 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अब इसमें आप 1 ऐड कर दें तो 1 माइनस एच जो है वो 1 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट नीजर है वो क्या बना, 0 बना, तो ये आएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम पैटर्न से आपने एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी है, तो मैं इसका लिख देती हूँ 2 प्लस एच जहाँ पर आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास 2 आएगा, और 2 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्योंकि 2 में से कुछ कम कर रहे हैं हम, तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो इसका जो एफ डैश 2 प्लस आएगा हमारा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट नेजर ऑफ 2 अपॉन एच, तो ये बनेगा आपका 2 माइनस 2 अपॉन एच, ये भी सेम वे से आ जाएगा, एफ डैश 2 माइनस क्या बनेगा आपका लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट नेजर माइनस ग्रेटेस्ट नेजर ऑफ 2 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू, तो कितना आएगा आपका ये वाला 2 माइनस एच का 1 हो गया, 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच, ये फिर से वही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, देयरफॉर 2 पर भी ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरह से आपने डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हमें गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, 1 पे आपने डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है कि है कि नॉट डिफरेंशिएबल हमने शो करना है। तो ये देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया मॉडुलस वाले सम्स हैं, इसको आपने खोल लेना है। ठीक है, और 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1, तो ये आ गया हमारा एफ एक्स। अब हम राइट एंड डेरिवेटिव निकालेंगे 1 प्लस वाला, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 करना आपने अपॉन
x माइनस वन करना है। तो जब x वन की वन प्लस की तरफ जाएगा तो हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा, ये x माइनस वन वाला फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इसको आपको h मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बनेगा x माइनस वन, एफ ऑफ वन कितना है, वन एक्स इज वन, एफ ऑफ वन जीरो हो जाएगा अपॉन x माइनस वन। तो ये ऊपर भी x माइनस वन आ रहा है, नीचे भी x माइनस वन आ रहा है, तो ये वन आ गया। इसी तरह से एफ डैश वन माइनस निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन माइनस एफ एक्स माइनस एफ ओ वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो जब एक्स लेस देन वन होगा तो फंक्शन कौन सा आएगा, वन माइनस एक्स वाला। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन माइनस एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये आ गया माइनस वन। तो हमने देखा एफ डैश वन प्लस जो हमारा कितना आया था वन, ठीक है, और नॉट इक्वल टू एफ डैश वन माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस वन। तो देयर फोर द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। उसके बाद है, इसके बाद सारे कुछ सम सिंपल ही हैं। क्वेश्चन नंबर एट, वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ये कंपोजिट फंक्शंस हैं, चेन रूल से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया था पहले आपने कॉज का डेरिवेटिव करना है। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये एज इट इज़। अब डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स करना आप, ठीक है, तो ये एज इट इज़ डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर वन बाई टू से कॉल दें। अब पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो गई, और भी सिंप्लीफाई करना है तो ये एज इट इज़ वन ओवर टू अंडर रूट एक्स आ गया। ठीक है, और भी अच्छे से करना है तो माइनस वन बाई टू साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना बस। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, वाई इज इक्वल टू टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे करना आपने, देखो पहले मैंने आपको बताया जैसे पावर वाला क्वेश्चन है, इसकी पहले पावर ऐसे खोल दो आप इसको। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पावर वाला करना है, फार्मूला लगाना है, पावर पहले आगे आएगी। ठीक है, पावर एक कम करेंगे, फिर उसके बाद डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर, तो ये वन हो जाएगा, तो ये आ गया कॉट एक्स स्क्वायर वन अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व करके। ठीक है, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर डी डी एक्स ऑफ फिर से एक्स स्क्वायर करना आपने, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बाकी सारा एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आ गया, बस सिंपल है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करते जाना है। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव। तो इस पर आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसको यू मान लेते हैं, इसको वी मान लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्यूब। क्लियर, अब क्या करना आपने, कॉज एक्स क्यूब एज इट इज़ साइन स्क्वायर का पावर का हो गया। अब इसमें डी डी एक्स ऑफ इसको हम लिख देते हैं, एक बार स्टेप में एक और बना देती हूँ, साइन एक्स की पावर फाइव का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव हो गया, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, फिर से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है, एक स्टेप में और लिख देती हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़, अब पावर का फार्मूला लगाना है, टू पावर आगे आएगी साइन एक्स की पावर फाइव की पावर एक कम हो गई, फिर इसके बाद डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर फाइव। ठीक है, अब एक स्टेप और मैं बना दूंगी, अब ये जो माइनस का साइन आगे आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स फाइव साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी स्टेप ये बचा हमारा, ये सारा एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस कॉस एक्स फाइव और एक्स फाइव का डेरिवेटिव क्या होगा, फाइव एक्स फोर। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़, तो इस तरह से आपने इसको लिख लेना है, ये काफ़ी सिंपल है, कोई इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है।
फिफ्थ वाला जो सम है इस पर क्वेश्चन टू लगाना आपने, जो कि आपने प्लस वन में किया हुआ है। इसमें फ़र्क यही है कि इसमें कंपोजिट फंक्शन है आपके पास। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर करते हैं तो कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर माइनस करना आपने साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो सिंपल जो आप करते आए हो तो ये आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, और फिर से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, एक ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो गया, बी का जीरो हो गया। ठीक है, इस तरह से करना आपने। माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का डेरिवेटिव सी है और डी का डेरिवेटिव जीरो है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये सम आपका कंप्लीट हो गया इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले सीकेंट का डेरिवेटिव करना है। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो ये आएगा सीकेंट टेन अंडर रूट एक्स एज इट इज। ठीक है, सॉरी सीकेंट थीटा टेन थीटा, टेन टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये मेरा थीटा है, इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, अब आ गया सीकेंट ऑफ इंटू करना आपने, फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ तक आपका इस यहाँ तक सारा सेम है, इस डी डी एक्स के नीचे लिखेंगे। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है, अब फिर से डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक एज इट इज़, और डी डी एक्स ऑफ इसको लिखेंगे हम एक्स की पावर वन बाई टू। फिर यहाँ तक एज इट इज़ एक्स की पावर वन बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स वन ओवर टू एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन। तो फिर यहाँ तक एज इट इज़ वन बाई टू आगे आ जाएगा, अंडर रूट एक्स नीचे आ जाएगा, बाकी सारा आपने लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सम सॉल्व करने हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। इसके बाद तो काफ़ी सिंपल सम है, थर्ड तो काफ़ी सिंपल है, वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जैसे कि अभी कर भी चुके हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होगा। ठीक है, सेकेंड सम कॉस ऑफ साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, फिर से इसका डेरिवेटिव करना आपने साइन एक्स का, तो ये आएगा इतना एज इट इज़ कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। बस हो गया सम। फर्स्ट है वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, तो वाई डैश कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस, फिर इसके इसका फर्दर डेरिवेटिव करना है, ये टू एक्स आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स है, फाइव का डेरिवेटिव जीरो है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज रिवाइज कर लेना। तो इसमें चेन रूल, मतलब कि कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव यूज़ हुआ है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी यूज़ हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने एक तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन रिवाइज करके आना है, और एक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिवाइज करके आना है। ठीक है, तो हम 5.3 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।